स्त्री जो है अपने तंत्र मंत्र से वो सैमुअल को बुलाती है। आप एक बात मुझे बताइए, क्या शैतान परमेश्वर के लोगों को कब्र में से या अधलोक में से ऐसी निकाल के ला सकता है? नहीं ला सकता, कभी हो ही नहीं सकता ये। अब वहां पर ध्यान देने की बात है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं शैतान के चक्रव्यूह के बारे में। पिछले संदेश में हमने सीखा था कि शैतान जो है उसका काम करने का तरीका क्या है। वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा परमेश्वर काम करता है और वैसे ही काम करने की कोशिश करता है। आज हम सीखेंगे कि शैतान उसका जो चरित्र है उसके बारे में बात करेंगे कि शैतान का जो चरित्र है वो क्या है। जी हाँ, उसके विषय में बातचीत करेंगे। और यहां लिखा हुआ है कि वो जो है शैतान का चरित्र क्या है, वो रूप बदल लेता है। जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये बड़ा जो रूप बदल बदल के आते हैं, भैरूपिया है, वो बड़ा भैरूपिया है, रूप बदल कर काम करता है। और उसके रूप को जो है हमें जानना है और बहुत ही ज्यादा जानना की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का रूप जो है वो बदलना जो है वो वचन के अनुसार जो होता है। प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया और वो जो है अपने रूप को परिवर्तित करता है जो उसका ईश्वरीय रूप है। और शैतान भी ऐसे ही करने की कोशिश करता है। फिलिपियों 2:8 पद पहले हम पढ़ लेंगे। यहां लिखा हुआ है फिलिपियों 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। यहां क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने आप को किस रूप में प्रकट किया? मनुष्य के रूप में प्रकट किया। जी हां, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने रूप को प्रकट किया, ऐसे शैतान भी अपने रूप को प्रकट करता है। शैतान भी अपना रूप जो है वो बदलता है। देखिए उसके चरित्र को जरा ध्यान करें कि क्या कह रहा है। और जब आप कुलुसियों 1:15 उसका 15वां पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है यीशु मसीह जो है वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी ना दिखाई देने वाले परमेश्वर का जो है वो रूप है। और इस रूप को जो है वो देखा, जरा हम पढ़ लेंगे मरकुस 9:2 उसका 2 पद। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। आप लूका 9:29 मती 17:2 भी पढ़ सकते हैं। अब यहां पर क्या, 3 लोगों ने, याकूब ने, पतरस ने और यूहन्ना ने, यीशु मसीह का वो रूप जो बदल गया था वो मनुष्य, देखिए यीशु मसीह ईश्वरीय रूप से मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। अब यहां पर याकूब, पतरस और यूहन्ना जो है उसका उस मनुष्य रूप के बाद उसका ईश्वरीय रूप को देख रहे हैं, यानी उसका प्रगटीकरण जो है ईश्वरीय रूप में जो है सबसे पहले इन लोगों ने देखा। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। जब आप मरकुस 16:12 पढ़ेंगे, इसके बाद वे दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। आप लूका 24:13-35 भी पढ़ सकते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, इसके बाद वे दूसरे रूप में, जब यीशु मसीह मरकर जी उठा तो 2 चेलों के साथ वो गांव की तरफ जा रहे थे, तो वो भी जाने लगा, तो उनको दूसरे रूप में जो है यीशु मसीह दिखाई दिया। मैं ये बातें इसलिए पढ़ रहा हूं कि यीशु मसीह अपने रूप का प्रगटीकरण करता है, ईश्वरीय रूप को प्रकट करता है, मनुष्य रूप को प्रकट करता है, और जी उठने के बाद उस आत्मिक रूप को प्रकट करता है जो उसका पहले था, जो परमेश्वर का, यानी स्वर्गीय रूप को प्रकट करता है। आत्मिक रूप से मतलब स्वर्गीय रूप को प्रकट करता है। लूका 3:21-22 पढ़ेंगे कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अब यहां पर देखिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या है, वो आत्मा है। अब आत्मा ने लिखा हुआ है यहां एक शारीरिक रूप धारण किया और वो शारीरिक रूप कौन सा, कबूतर के समान रूप धारण करा। देखिए मैं अक्सर यह बताता हूं कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान क्यों उतरा, क्योंकि कबूतर की
ये धारणा है कि वह एक स्वस्थ और अच्छे भोजन पर उतरता है और यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी है, इसलिए उसको जो है कबूतर की नाई कहा गया, यानी शारीरिक रूप में जो है, यानी उसको पवित्र आत्मा के रूप को वो देख रहा है कबूतर के रूप में जो है। और शैतान जो क्या करता है, शैतान भी यही काम करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह रूप धारण करता है, पवित्र आत्मा ने रूप धारण करा, शैतान भी जो है, और शैतान ही नहीं शैतान के सेवक भी जो हैं वो भी जो है वो रूप धारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा कुरंतियों और उसका 11वां अध्याय और उसका 13, 14 और 15वां पद। यहां लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अब यहां पर देखिए, यहां क्या लिखा हुआ, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि शैतान भी और शैतान के जो दूत हैं वो भी, किसका रूप, शैतान ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अब आपके सामने एकाएक आप कमरे में लेटे हैं, प्रकाश हो गया और एक स्वर्गदूत जो है उसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, अपने पंख को लहरा रहा है, आपको कह रहे परमेश्वर के दूत ने हमें दर्शन दे दिया। मगर यही तो बात है, वो इसी तरीके से जाल में फंसाता है, शैतान वैसे ही काम करने की कोशिश करता है। और इसलिए हम लोग जो हैं, जब इन चीजों को समझते नहीं है, शैतान के चरित्र को नहीं समझते, उसके काम करने के तरीके को नहीं समझते हैं, तो उसके चक्रव्यूह में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। वह अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर जैसे काम कर सकता है, वो दिखा सकता है सब कुछ, आकाश से आग भी गिराकर वो जो है वो दिखा सकता है और कर सकता है वो, और उसने किया भी है, ताकि लोगों को परमेश्वर के राज से दूर ले जाए, ताकि लोगों को नरकीय बना दे, स्वर्गीय नहीं, परमेश्वर के राज का नहीं, नरकीय बना दे। और यहां पर उसके जो सेवक हैं वो प्रेरितों का रूप धारण करते हैं, इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, झूठे मसीह, झूठे प्रेरित, झूठे उपदेशक और झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि शैतान के जो दूत हैं उन्होंने इन सेवकों का रूप धारण कर लिया है और कलीसियाओं के अंदर आ गए हैं और झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं, झूठे उपदेश दे रहे हैं, मिलावट का उपदेश दे रहे हैं, मनगढ़ंत बातें सुना रहे हैं और कुछ भी बहुत कुछ अपनी तरीके से कर रहे हैं, अपनी डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर की डॉक्ट्रिन को एक किनारे रखकर जो है परमेश्वर कहता है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप जो है पहला समूएल 28 अध्याय को आप पढ़िएगा जरा पूरा, वहां पर क्या है, शाऊल ने जितनी भी बुद्धि सिद्धि करने वाले लोग थे उन सबको निकाल दिया, उसमें एक स्त्री भी थी उनको भी निकाल दिया, और परमेश्वर जो था शाऊल से, जो राजा शाऊल था इसराइलियों का पहला राजा जो था, वो परमेश्वर उससे नाराज हो गया, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और परमेश्वर ने शमूएल से भी कहा कि तू इससे बात नहीं करेगा और इसे कुछ भी नहीं बताएगा। शमूएल भी जब तक जीवित रहा उसने कुछ नहीं बताया, परंतु शमूएल मर जाता है, मरने के बाद ये शाऊल बड़ा परेशान हो जाता है, अपने बारे में जानना चाहता है, अपने राज के बारे में जानना चाहता है, और इसलिए वो क्या करता है, वो बुद्धि सिद्धि करने वाले के पास जाता है और क्या देखता है, वो कहता है कि तू क्या कहता है कि मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं, वो कहता है शमूएल को बुला मेरे लिए। शमूएल को बुलाता है, वो स्त्री जो है अपने तंत्र मंत्र से वो शमूएल को बुलाती है। अब एक बात मुझे बताइए, क्या शैतान परमेश्वर के लोगों को कब्र में से या अधलोक में से ऐसी निकाल के ला सकता है? नहीं ला सकता, कभी हो ही नहीं सकता ये। अब वहां पर ध्यान देने की बात है, शैतान किस तरीके से मतलब अपना चक्रव्यूह फैलाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के, जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते, जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते, तो आसानी से हम शैतान के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और शाऊल का यही हुआ। यहां मैं पहला समूएल 28 का 14वां पद पढ़ना चाहूंगा। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह गिरकर भूमि पर गिरकर उसे दंडवत किया। अब यहां पर जो है राजा शाऊल उस स्त्री से पूछा, उसे नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान दीजिएगा, शमूएल को वो पृथ्वी में से निकलता हुआ, हालांकि वो शमूएल नहीं है, मगर वो शैतान जो है वो रूप धारण करके, वो शमूएल का रूप धारण करके निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, यानी ये जो है ये भी शैतान की चेली है,
जो बुद्धि सिद्धि करने वाली है, और वो क्या करे, वो करी मैं एक पुरुष को बागा उड़े हुए, क्योंकि शमूएल की जो दशा थी वो अच्छे से जानते थे, क्योंकि शमूएल के द्वारा और शाऊल के द्वारा जो है सारे बुद्धि सिद्धि करने वाले और ऐसे लोग जो थे, पर शाऊल ने अपने राज से बाहर निकलवा दिया था उन्हें, तो वो शमूएल को अच्छे से जानती थी। वो बोले एक पुरुष बूढ़ा पुरुष है और वो बागा ओढ़े हुए पृथ्वी में से निकल आता। अब शाऊल क्या सोचता है कि अरे ये तो शमूएल है और उसे नहीं दिखाई दे रहा है, बस वो उस स्त्री की बात पे भरोसा कर रहा है। हम लोग जो हैं बहुत सी झूठी बातों पर जो है भरोसा करते हैं, हम झूठे पादरियों पर भरोसा करते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं पर भरोसा करते हैं, झूठे प्रेरितों पर भरोसा करते हैं, और बहुत सी झूठी बातों पर भरोसा कर लेते हैं कि नहीं साहब ये जो कह रहे हैं ये सही है, और इसलिए हम शैतान के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और यहां शाऊल का भी वही रहा, वो उस भूत सिद्धि करने वाली जो झूठी थी, जो शैतान की बंदी थी, उस वो झूठ बोल रही है और वो उसके झूठ को सही मान रहा है, परमेश्वर की बात को सही नहीं माना, शमूएल की बात को सही नहीं माना और अपना जीवन बर्बाद कर दिया। और ऐसे ही हम लोग भी हैं, हम लोग भी इन झूठी बातों पर भरोसा करके और अपने आप को क्या कहते हैं परमेश्वर शैतान के हाथ में सौंप देते हैं और उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अब ये इस तरीके से रूप धारण करता है, लोग बता रहे हैं कि क्या है, और यहां क्या है, शैतान के पास बहुत सी आत्माएं हैं जो मनुष्यों के जीवन में डालकर उनको परमेश्वर के रास्ते से भटका देता है। अब देखिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मगर मैं वो शैतान की जो आत्माएं, शैतान के हाथ में जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के विषय में बात करूंगा कि पूरी दुनिया में कैसे उसने पूरी दुनिया में कलीसियाओं में और चर्चों में और घरों में और देशों में और नगरों में और शहरों में और लोगों के जीवनों में उन आत्माओं को उसने पहुंचा रखा है। ध्यान दीजिएगा, जब आप यूहन्ना 8 उसका 44 पढ़ेंगे तो वहां लिखा शैतान झूठों का पिता है और वह हत्यारा भी है, और वह उसके पास बहुत सी झूठ बोलने वाली आत्माएं हैं और वो उनसे जो है लोगों के बीच में भेज देता है और उनसे झूठ बुलवाता है। जब आप पहला राजा 22 का 23 पद पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 18 का 22 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि वो जो 400 नबी थे जो अहाब राजा के थे, उनके अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा बैठ गई और उनसे झूठ बुलवाया। मीका जो है, मीका की किताब उसका 2 अध्याय उसका 11वां पद पढ़ेंगे, वहां पर झूठी आत्मा के विषय में लिखा है। फिर है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 पद जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा शैतान सारे संसार का भरमाने वाला है, इसलिए उसके पास जो है भरमाने वाली अर्थात बहकाने वाली आत्माएं भी हैं जो लोगों को भरमाती हैं, बहकाती हैं। और फिर है जब आप पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 4 अध्याय उसका 6 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा भ्रम की आत्मा यानी भ्रम पैदा करती है। देखिए ये शैतान की जो आत्मा है यह है। जब आप न्यायियों की किताब 9 का 23 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनके अंदर जो है बुरी आत्माओं को भेज दिया और वे एक दूसरे से विश्वासघात करने लगे। जी हाँ, यहाँ जो है बहकाने वाली जो आत्माएं हैं वो भेजी गई हैं। फिर है पहला शमूएल 16 का 14 से 16 और 23 पद और पहला शमूएल 18 अध्याय उसका 10 पद और पहला शमूएल 19 अध्याय उसका 9 पद एक दुष्ट आत्मा जो थी शाऊल को घबराती थी, घबराने वाली आत्मा जो थी वो उसके अंदर डाली गई है शाऊल के अंदर जो है। ध्यान दीजिएगा कैसे काम कर रही है। फिर है अय्यूब 4 अध्याय उसका 15वां पद एक डराने वाली आत्मा जो रोंगटे खड़े कर देती है, एक डराने वाली आत्मा जो है अय्यूब को डरा रही, उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है। अब यहां पर क्या है, होशे 4 अध्याय उसका 12 पद होशे 5 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है छिनाला करने वाली आत्मा जो है, यानी छिनाला करने वाले का मतलब होता है व्यभिचार करने वाली, वैश्यावर्ती है, संभोग करने वाली, सेक्स करने वाली, भ्रष्टाचार की जो आत्मा, अय्याशी की जो आत्मा है, उसके बारे में यहां वर्णन दिया गया है। उस आत्मा के द्वारा जो है शैतान जो है काम कराता है। फिर है जकरिया 13 का 2 मती 12 का 43 लूका 11 का 24 यहां पर जो है अशुद्ध आत्माएं जो हैं वो नए नियम में आप पढ़ेंगे अशुद्ध आत्माओं के बारे में बहुत है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी अशुद्ध आत्माओं और दुष्ट आत्माओं को निकाला है। यहां पर अशुद्ध आत्माओं के द्वारा जो है वो अशुद्धता जो है उनके जीवन में उनके परिवार में फैलाता है शैतान जो है, इसके उसके हाथ में ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं। फिर मरकुस 9 अध्याय उसका 17वां और 25वां पद है,
यहां पर जो है दो प्रकार की आत्मा है, एक गूंगी आत्मा और बहरी आत्मा। किसी भी इंसान को वो गूंगा बना सकता है, किसी भी इंसान को वो बहरा बना सकता है। शैतान जो है उनके अंदर गूंगी और बहरी। अच्छा इंसान बोल रहा चल रहा है, अच्छा इंसान सुन रहा है, मगर एकदम वो सुनना बंद कर देता, बोलना बंद कर देता। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसके अंदर गूंगी और बहरी आत्मा डाल रखी है। फिर है प्रेरितों के काम 16:16, भावी कहलाने वाली आत्मा जो है, यानी ये आपका भविष्य बताने वाली और बहुत सी चीजों को इंसान अपने बारे में जानने की कोशिश करता है दूसरे लोगों से, वो तो कुछ भी मनगढ़ंत करके जो है अटकलें लगाकर अपने बताते हैं। ये अटकलें लगाकर बताने वाली ये सब शैतान की ओर से जो बातें होती है वो है। फिर है प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा, दुष्ट आत्मा जो है ये उपद्रव कराने वाली आत्मा होती है। दुष्ट आत्मा कई प्रकार की होती है, एक तो दुष्ट आत्मा होती है, परंतु ये जो दुष्ट आत्मा है ये उपद्रव कराती है, उद्यम मचाती है। मैं आपको रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि आप बड़े आराम से उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा। फिर है रोमियो 8 उसका 15वां, दास्तों की आत्मा, यानी दास्तों की आत्मा गुलाम बनाने वाली किसी भी चीज की। कोई नशे का गुलाम हो जाता है, कोई व्यभिचार का गुलाम हो जाता है, कोई बुराई का गुलाम हो जाता है, कोई किसी का गुलाम हो जाता है, कोई किसी का, यानी गुलाम बनाने वाली आत्मा जो है, दास्तों की आत्मा जो है वो है। फिर है पहला कुरिन्थियों 2:12 में संसार की आत्मा, यानी संसार की आत्मा क्या है, हमें परमेश्वर के कामों से अलग करती, संसारी कामों में लिप्त करती है। हमारे पास समय नहीं होता है परमेश्वर के लिए, संसारी कामों में लगे रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं, यानी संसार की आत्मा में फंसे हुए हैं। फिर होशे 9:7 में लिखा हुआ है कि बावला करने वाली आत्मा, यानी बावला करने वाली, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ ऐसे ही है इस तरीके की आत्माएं। ये सारी आत्माएं जो हैं शैतान के हाथ में, और शैतान जो है इन आत्माओं के द्वारा जो है वो काम करता है, मगर इन आत्माओं से बचना चाहते हैं। अगर ये जो चक्रव्यूह इन आत्माओं का जो उसने हमारे जीवन में हमारे चारों तरफ फैला रखा है, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो जो तरीके मैंने बताए हैं वो है, और उसमें एक जो तरीका, एक तरीका ही बताना चाह रहा हूँ, तरीके बता चुके हैं कि शैतान के चक्रव्यूह से कैसे बच सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। आप याकूब 4:7 पढ़े और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन करें, ताकि इन सारी आत्माओं को जो शैतान ने भेज रखा है, हमारे चारों तरफ लगा रखा है, चक्रव्यूह फैला रखा है इन शैतानी आत्माओं का, हम परमेश्वर के अधीन होकर इनका सामना करें और ये हमारे सामने से भाग जाएंगे, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करके शैतान के इन चक्रव्यूह से बच सके, शैतान की इन सारी आत्माओं के चक्रव्यूह से बच सके, ताकि हम परमेश्वर के राज के बारिश हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दें।